गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे वीटी ग्राफ के ऊपर। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने पढ़ा था उस कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये एग्जांपल क्या है, देखिए रीड करिए। अ मेट्रो ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रीचेस टू स्टेशन बी इन 4 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक मेट्रो ट्रेन है, ठीक है, जो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और ये बी पॉइंट पर पहुँचती है। ओके, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 4 मिनट्स लगते हैं। 4 मिनट्स मतलब कितने सेकेंड्स दोस्तों, देखिए यहाँ पर 240 सेकेंड्स लगते हैं इसको। ठीक है, अब दोस्तों आगे पढ़िए। इनिशियली इट एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड्स एंड रीचेस टू अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या होता है, पहले 10 सेकेंड में ये एक्सेलरेट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेस्ट स्टार्ट करेगी ट्रेन। ठीक है, और पहले 10 सेकेंड्स के लिए, फर्स्ट यहाँ पर देखिए 10 सेकेंड्स के लिए ये एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, यहाँ पर पहले 10 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन होगा, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड रीच हो जाएगा जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर ये 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करेगी ये जो ट्रेन है। ठीक है, फाइनली कम्स टू रेस्ट एट स्टेशन बी इन लास्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकेंड्स में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर डिसेलरेशन हो रहा है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब ब्रेक लगाया हुआ है यहाँ पर मेट्रो ने। ठीक है, मतलब वो रुकने वाली है। तो लास्ट के 10 सेकेंड्स में दोस्तों यहाँ पर हो रहा है रिटार्डेशन। ओके, ये बात आपको समझनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस पता करना है, और आपको यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस कंडीशन के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालेंगे, और जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो एरिया आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप इस एग्जाम्पल के लिए बना पाओ तो आप डिस्टेंस आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ उसके नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस एग्जांपल के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमें क्या करना होगा, वाई एक्सिस पर हमें वेलोसिटी कंसिडर करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, और जो एक्स एक्सिस है दोस्तों एक्स एक्सिस पर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, एक्स एक्सिस पर हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे टाइम। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम कंसिडर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मेट्रो ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रीचेस टू अ स्टेशन बी इन 4 मिनट्स। ठीक है, तो ये मेट्रो ट्रेन ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, और मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर ये पहुँचती है। ठीक है, ओके, 4 मिनट लगते हैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए। इसको कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको 4 मिनट लग रहे हैं। 4 मिनट मतलब कितने, देखिए दोस्तों यहाँ पर 240 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको 240 सेकेंड्स लग रहे हैं। अब दोस्तों इनिशियली इट एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड्स, तो पहले 10 सेकेंड के लिए, देखिए यहाँ पर पहले 10 सेकेंड्स के लिए ये एक्सेलरेट करेगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एंड रीचेस टू अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ट्रेन है, मान लेते हैं ये 20 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले 10 सेकेंड के लिए क्या होगा दोस्तों, ये जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट करेगी और 20 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड तक पहुँचेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर इनिशियली इट एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड्स एंड रीचेस टू अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद ये कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू करेगी। ठीक है, फिर कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू करेगी, और लास्ट जब 10 सेकेंड्स आएंगे, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पर ये स्लोली इसका स्पीड जो है वो कम होता जाएगा, और फाइनली ये बी पॉइंट तक पहुँच जाएगी। और लास्ट के 10 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए लास्ट के 10 सेकेंड्स में ये रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट के 10 सेकेंड्स में यहाँ पर देखिए रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें मिल चुका है दोस्तों। तो ट्रेन देखिए यहाँ पर पहले 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेट करी, फिर कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड पर पहुंची। ठीक है, फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगी, और लास्ट के जब 10 सेकंड्स बचे यहाँ पर, तब ये क्या हुई, स्लोली यहाँ पर कम टू रेस्ट हुई और बी पॉइंट पर पहुंच गई। ठीक है, ओके, अब देखिए दोस्तों ये 10 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, तो 4 मिनट में से मतलब 240 सेकेंड्स में से 10 और 10 20 सेकेंड्स गए, तो बचे कितने दोस्तों यहाँ पर 220 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जो है ये कितने होंगे यहाँ पर 220 सेकेंड्स होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक आंसर तो हमें मिल चुका है दोस्तों, हमने वीटी ग्राफ तो यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, ओके, अब दोस्तों हमें क्या करना है, ए और बी पॉइंट के बीच का हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता करना है। तो ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करने के लिए अगर ये एरिया आप किसी तरीके से निकालते हो, ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ अगर आप किस तरीके से निकालते हो, तो ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, ओके, तो ए और बी पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आपको ये एरिया निकालना होगा, शेडेड एरिया। और ये शेडेड एरिया किन फिगर से बना हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर एक ट्रायंगल है, दूसरा यहाँ पर एक ट्रायंगल है, और तीसरा यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये एरिया देखिए यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, फिर से यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया।
ठीक है। अब दोस्तों ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पर 10 और हाइट कितनी है 20, प्लस यहाँ पर दोस्तों ये रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है 220, हाइट कितनी है 20, 220 इंटू 20, ठीक है। प्लस यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यहाँ पर देखिए हाफ इंटू 10 इंटू क्या होगा 20, ठीक है। तो अगर ये एरिया आप निकालते हो दोस्तों, तो सिंपली आपको यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच का यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 इंटू 20 200 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, प्लस 220 इंटू 20 कितना हो जाएगा, देखिए ये 4400 हो जाएगा, प्लस वापस यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4400 प्लस 100, 4500 प्लस 100 कितना हो जाएगा 4600 मीटर, मतलब कि कितना होगा 4.6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मीटर में आप आंसर इसका लिखते हो तो भी ठीक है, किलोमीटर में अननेसेसरी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, जब तक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर देखिए एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसको हम रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों एग्जांपल क्या है, अ मेट्रो ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक मेट्रो ट्रेन है जो ए से बी और फिर बी से सी ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। फिर आगे बढ़िया, इट टेक्स 4 मिनट्स इन ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, ठीक है। तो इसको ए से बी जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट मतलब कितने होंगे यहाँ पर देखिए 240 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए द ट्रेन हॉल्ट्स एट स्टेशन बी फॉर 20 सेकेंड्स, ए से बी जब पहुँचती है तो बी पॉइंट पे ये 20 सेकेंड्स के लिए रुक जाती है, यहाँ पर ये 20 सेकेंड्स के लिए रुक जाती है, ठीक है। ट्रेन देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई, 240 सेकेंड्स में यहाँ पर पहुँची, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 20 सेकेंड के लिए रुकी, फिर आगे क्या दिया हुआ है देखिए, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एंड रीचेस टू स्टेशन सी इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। तो ये बी पॉइंट से नेक्स्ट स्टार्ट करती है और सी पॉइंट पर पहुंच जाती है, और सी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते इसको 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट मतलब क्या होगा यहाँ पर 180 सेकेंड्स लगेंगे इसको, ठीक है। अब आगे पढ़िए दोस्तों, एट द स्टार्ट द ट्रेन एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड्स टू रीच द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती की हुई उन्होंने, एवरी टाइम एट द स्टार्ट ऐसे बोलना चाहिए था, ठीक है। एवरी टाइम एट द स्टार्ट इट एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड्स, मतलब यहाँ से जब ये स्टार्ट करेगी, यहाँ पे रेस्ट पे, यहाँ पे भी रेस्ट पे है ना, तो जब यहाँ से स्टार्ट करेगी तो पहले 10 सेकेंड के लिए दोस्तों यहाँ पर ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से भी जब स्टार्ट करेगी तो पहले 10 सेकेंड के लिए यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कॉन्स्टेंट स्पीड पर रीच हो जाएगी, कॉन्स्टेंट स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी ये 72 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड पर पहुँच जाएगी। फिर ये 72 किलोमीटर पर आवर पर ट्रैवल करती रहेगी, ओके। और आगे क्या दिया हुआ है, द ट्रेन मूविंग एट द कॉन्स्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन लास्ट सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो जब ये जो ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है, जब लास्ट के 10 सेकेंड्स बचेंगे, यहाँ पर देखिए अलग कलर से दिखाता हूँ मैं, लास्ट के जब 10 सेकेंड्स बचेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये स्पीड कम होता जाएगा और बी पॉइंट पर ये रेस्ट पर चली जाएगी, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्पीड, यहाँ पर रिटार्डेशन। वैसे दोस्तों यहाँ पर ये क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड, और लास्ट के 10 सेकेंड्स में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लास्ट के 10 सेकेंड्स में दोस्तों यहाँ पर रिटार्डेशन होगा, ठीक है। ये रिटार्डेशन होगा, यहाँ पर ये रिटार्डेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है 20 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्लॉट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन ए टू बी टू सी एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी टू सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको यहाँ पर बनाना है, और आपको ए बी और सी ये स्टेशन जो हैं इनके बीच का आपको क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, ओके। तो ए बी आपको पता करना है और बी सी पता करना है। तो ए बी और बी सी पता करने का तरीका क्या है दोस्तों, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालोगे ना किसी तरीके से, तो उसके अंडर का जो एरिया होता है, दैट एरिया विल गिव यू द डिस्टेंस, ओके। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पर हम लोग कंसिडर करेंगे वेलोसिटी, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर हम लोग यहाँ पर देखिए, एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम लोग देखिए यहाँ पर टाइम कंसिडर करेंगे, ठीक है, ओके। और मान लेते हैं ये स्टेशन ए है, ठीक है, और ये मान लेते हैं स्टेशन बी है। तो ट्रेन क्या करती है दोस्तों, ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और बी पॉइंट पर पहुँचती है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको 240 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन पहले 10 सेकंड में ये एक्सेलरेशन होगा, पहले 10 सेकंड में क्या होगा यहाँ पर देखिए, पहले 10 सेकंड में यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन मतलब उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और बढ़ती जाएगी ऐसे,
और एक पॉइंट आ जाएगा जब उसका जो वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सेकंड में है, तो यहाँ पर इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 72 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 18 1 18 18 4 72 4 5 20, तो यहाँ पर दोस्तों ये 20 मीटर पर सेकंड में आपको मिल चुका है, ठीक है। तो जो पहला एग्जांपल हमने सॉल्व किया था ना, वैसे ही एग्जांपल है दोस्तों। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब ही है 20 मीटर पर सेकंड, ओके। तो पहले 10 सेकंड में ये एक्सेलरेट हुआ, 20 मीटर पर सेकंड पे पहुँचा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करने लगा, और जब लास्ट के 10 सेकंड बचे यहाँ पर, ठीक है, तब ये क्या हुआ, यहाँ पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाना शुरू किया, ठीक है। और यहाँ पर होते होते ये जो है यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ और ट्रेन जो है वो यहाँ पर रुक गई, ओके। अब बी पॉइंट पर 20 सेकंड्स के लिए क्या है, यहाँ पर बी पॉइंट पर ही 20 सेकंड्स के लिए यहाँ पर हॉल्ट है, ये हॉल्ट है, ठीक है, ओके। तो हॉल्ट है मतलब यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। अब बी पॉइंट से ट्रेन फिर से स्टार्ट करेगी और सी पॉइंट तक पहुँचेगी, और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुँचने के लिए सेम वैसे ही कंडीशन है, पहले 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन हुआ, यहाँ पर पहले 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन हुआ, कार 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकंड पे पहुँच गई पहले 10 सेकंड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करने लगी, और जब लास्ट के 10 सेकंड बचे यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी कम होती चली गई, ठीक है, ओके। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये 10 सेकंड 10 सेकंड, और यहाँ पर ये कितने होंगे, 180 में से ये 10 गए 10 गए, 160 बचे यहाँ पर, और 240 में से 10 गए 10 गए, यहाँ पर 220 बचे ना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये 10 सेकंड में एक्सेलरेशन, 220 सेकंड के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर से 10 सेकंड के लिए रिटार्डेशन, फिर 20 सेकंड के लिए वेलोसिटी जीरो, फिर से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो एक्सेलरेशन होगा 10 सेकंड के लिए, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी 160 सेकंड के लिए, फिर रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो चुका है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमने बना लिया है, ठीक है। अब किसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ए से बी तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, और बी से सी तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो दोस्तों ये ए से बी तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर किसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, ये जो एरिया है, ये एरिया अगर किसी तरीके से ये शेडेड एरिया मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया आप निकालते हो, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर ए से बी तक का आपको डिस्टेंस मिलेगा। तो ये एरिया कैसे निकालोगे दोस्तों, ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट 20 प्लस ये ट्रायंगल का एरिया भी वही होगा, हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट कितना 20 प्लस दोस्तों ये रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू हाइट 220 इंटू 20, ठीक है। तो ये जो आंसर है देखिए कैसे आएगा, ये आपको मिलेगा 4600 मीटर, ठीक है, मतलब ही इसका है 4.6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बी और सी पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आपको ये ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, ठीक है, प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया आपको उसमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया कितना है दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब 100, ठीक है, प्लस ये ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वापस से 100, प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया 160 इंटू हाइट मतलब क्या होगा 3200। तो 3200 प्लस 100 प्लस 100 कितना होगा 3400 मीटर, ठीक है। तो बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3400 मीटर है, मतलब कि क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3.4 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला जो कंसेप्ट है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।